खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको KVIC बोलते हैं, हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। खादी का जो महात्मा गांधी जी का जो प्लान था और अभी खादी का क्या सिचुएशन है, पूरा हम स्टडी करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सबको पता है कि जो चरखा का जो सिंबल है अपने फ्लैग में, वो महात्मा गांधी ने जो चरखा सेल्फ रिलायंस पे जो शुरू किया था वो काफी फेमस हुआ था। खादी एक सिंबल है जो आत्मनिर्भर भारत, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का, इंडियन स्ट्रगल में खादी ने एक बहुत बड़ा प्लान या पार्ट प्ले किया था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से ही कॉटन लेके जाते थे ब्रिटेन में, उसको वहां पे कपड़े बना के वापस इंडिया में लेकर आके 4 गुना 5 गुना 10 गुना दाम में बेचते थे। सो खादी एक प्रकार का लाइवलीहुड, कला आर्टिजन जो गांव के लोग हैं उनको इकोनॉमिक आजादी देता है। आजादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को काफी प्रमोट करने की कोशिश की। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड 1953 में सेटअप किया, और ये जो KVIC है 1956 में सेटअप किया विद स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब KVIC का अपना एक अलग कायदा है 1956। आप नोट करोगे 1955 में LIC सेटअप हुआ, ICICI सेटअप हुआ, SBI सेटअप हुआ, KVIC सेटअप हुआ। उस समय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए थे, लेकिन मेन इनका काम था खादी को प्रमोट करना। जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर KVIC आता है और उसका हेड ऑफिस मुंबई में। तो ये करता क्या है, मॉडर्न जमाने में यंगस्टर्स ली लिवाइस किलर, ठीक है ना, स्पाइकर, ऐसे मॉडर्न कपड़े यूज करते हैं। खादी का यूज वक्त के साथ साथ कम हुआ है। तो KVIC प्रमोशन एंड प्रोडक्शन ऑफ खादी, ताकि गांव के और जो गांव के इंडस्ट्रीज है वो बचे रहे। नहीं तो 50 साल पहले जितना खादी यूज होता था उसका मुझे लगता है आज मुश्किल से 20% यूज होता होगा। लोग फैशन के तौर पर दे माइट वेयर वंस, नॉट अ मंथ, प्रोबेबली अ ईयर। तो खादी का काफी मुझे यूसेज कम होते हुए दिखता है विद द यंगस्टर्स। सो बोलते ना, रूरल गांव के इंडस्ट्रीज है, शहर में इसका रोल बहुत कम रहता है, गांव में ही मेन इसका रोल रहता है, क्योंकि लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल रहते हैं, वहां पे ह्यूमन स्किल्स लगता है इसको बताने के लिए, और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो लोग काम करते हैं। हाँ, यदि आप जो साड़ी है, जो फेमस जो साड़ी है, जो कौन से जगह पे येवले बोलते ना, कहाँ का जो फेमस साड़ी है, वो लोग खुद वीव करते हैं, लाख लाख रुपए तक की साड़ियां बनाए जाते हैं सूरत में, ठीक है ना, और महाराष्ट्र में भी काफी फेमस है नौवारी साड़ी। लेकिन ये आज भी महाराष्ट्रन वुमेन गांव में, शहर में साड़ियां पहनते भी हैं, तो उसका मार्केट बहुत ज्यादा है। लेकिन खादी का रेलेवेंस उतना नहीं है। आदमी लोग आजकल टी शर्ट्स और शर्ट्स, खादी का यूसेज कम हुआ है, और यदि खादी का यूसेज बढ़ा तो रूरल इकोनॉमी को पुश मिलेगा। तो एक प्रकार का जो एजेंसीज या जो भी संस्थाएं बनाते हैं इनके लोग मदद करते हैं, और जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट का, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके अंडर आता है KVIC। मतलब फंडिंग इनको खुद गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री करता है अलग अलग प्रोग्राम स्कीम्स के लिए, और अल्टीमेटली खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम करता है। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सेटअप किया गया है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज रूरल डेवलपमेंट, खादी का तो है, लेकिन
गांव में खादी का प्रोडक्शन बढ़ता है तो गांव का प्रगति होता है। सो सोशल ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव को इन लोगों ने तीन भाग में बांटा है। सोशल ऑब्जेक्टिव है लोगों को नौकरी मिलेगी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेलेबल, खादी के शर्ट्स बनाए, जो भी ड्रेसेस बनाए खादी के वो बिकेंगे तो पैसा आएगा। वाइडर ऑब्जेक्टिव कि वो जो गांव है आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। फीचर्स ऑफ केवीआईसी क्या है? खादी जो विलेज है केवीआईसी, ये मेन रूरल डेवलपमेंट के लिए एस्टेब्लिश हुआ। शहर तो अपना अपना डेवलपमेंट है ही, फास्ट मोड पे मेट्रो सिटीज है, नॉन मेट्रो सिटीज है, सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे दिल्ली कोलकाता मद्रास भर जाते हैं तो बॉम्बे के बाद पूना में डेवलप हुआ नागपुर, अभी नासिक रडार में आ गया, क्योंकि ये लोग तो फुल हो रहे हैं, लगभग हो चुके हैं, तो इसलिए नासिक में भी मेट्रो की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बॉम्बे के इन्वेस्टर्स नासिक में करते हैं। तो जो टीयर टू सिटी जिसको बोलते हैं, नासिक टीयर टू में आता है, तो उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन केवीआईसी का नासिक की जरूरत नहीं, जितने की नासिक के जो गांव है, नासिक डिस्ट्रिक्ट हुआ उसके जो गांव है वहां पे डेवलपमेंट की जरूरत है। और क्या होता है, उस गांव में नेचुरल रिसोर्सेज रहता है, उस नेचुरल रिसोर्स की मदद से टाइनी कॉटेज, स्मॉल स्केल, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक के एंटरप्राइज को ये लोग गाइड करते हैं, फिनेंस करते हैं। और जैसे फिनेंस किया, खादी बनाना शुरू हुआ तो आपको लोग लगेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वर्कफोर्स गांव में तेजी से बढ़ रहा है। वहां पे नौकरी नहीं दिया जाए तो वो लोग शहर में आ जाते हैं। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज ये टेक्निकल नहीं है, लेबर इंटेंसिव है, इसमें हाथ के कलाकारी का काम ज्यादा है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स नहीं हैं पर गांव में रहते हैं, जिनके पास लैंडलेस फार्मर्स हैं, या फार्मिंग करते वक्त उनके पास जमीन नहीं है, बट लैंडलेस फार्मर को 200-300 के ऊपर कोई देगा नहीं, और वो भी सीजनल काम रहता है, 6 से 8 महीना काम, बाकी 4 महीना खाली बैठो। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से डायरेक्ट संबंधित नहीं है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रहा तो आदमी को पूरा साल नौकरी का चांस रहता है, जबकि फार्म में, खेती में साल में कितना महीना होगा, 6 महीना, 8 महीना, ठीक है ना? तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आजकल आप खादी के, पहले क्या था, नॉर्मल खादी खादी जैकेट जो होते थे, नेहरू जैकेट जिसको फेमसली बोलते हैं, मे बी सफेद कुर्ते के ऊपर या के ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट या अलग अलग डिजाइन्स का जैकेट। अभी वो, उसको आप मॉडर्न टच दो विद डिजाइनर, डिजाइनर लोग आ जाए, खादी तो अवेलेबल है बट ट्रेडिशनल फॉर्म में, बट उसको डिजाइनर फॉर्म में दिया जाए, तो बोलते हैं ना, उसका सेलिंग पोटेंशियल बढ़ता है, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता है। और लोगों का, जो गांव के लोग हैं, वो खुद वहां पे बिजनेस स्टार्ट करके शहर में नहीं जाते, वहीं पे वो रुकते हैं और वहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डअप करते हैं। और फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन में जाओगे ना, कहीं पे भी आप जाओ, इंडिया का लोग जरूर देखते हैं, क्योंकि पता है उनको इंडिया का मसाले फेमस है, ड्रेसेस डिजाइन्स फेमस है, बटर चिकन इंडिया का बहुत फेमस है, सॉफ्टवेयर बहुत फेमस है। तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन में आपको इंडिया का, जो अलग अलग देश के आते हैं, इंडिया, अमेरिका, ऐसे अलग अलग लोग अपने जो एग्जीबिशन में अलॉटेड जगह में अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का क्रेज बहुत है। तो वहां पे चांस मिलता है बताने का, प्रोडक्ट्स बेचने का, और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है केवीआईसी का, गांव के इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनको सब्सिडीज मिलता है, वीकर सेक्शंस, ट्राइबल एरियाज, बैकवर्ड रीजन्स। तो क्या होता है, जो गांव के लोग हैं निराश होकर शहर में नहीं आ जाते, उनको यहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, सब्सिडीज मिलते हैं, तो फिर ये लोग गाँव में रुक जाते हैं, शहर का माइग्रेशन नहीं करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी खादी डेनिम जीन्स सोचो, जो सोच भी नहीं सकते थे 50 साल पहले,
आजकल खादी डेनिम जीन्स आ गई है, ये सब रिसर्च का, जैसे मैंने बताया कि खादी कपड़ा है बट उस पे डिजाइन मॉडर्न क्लाइमेट के हिसाब से, मॉडर्न उसको मॉडर्निटी प्रोवाइड किया जाए तो उसका सेलिंग बढ़ेगा। एक खादी कैन ऑल्सो बिकम अ फैशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि नए नए प्रोडक्शन टेक्निक्स इक्विपमेंट्स जिससे खादी का आउटपुट बढ़ाया जा सके। ये लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब सोलार का इलेक्ट्रिक पावर भी एकदम ज़्यादा लगता नहीं है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। और आज के तारीख में खादी का अवेयरनेस इतना नहीं है बट उसको प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि एग्जीबिशन लोकल लेवल पे भी एग्जीबिशन रहेगा तो खादी का एक स्टॉल मिल जाएगा, कॉलेज में लेक्चर्स दिए जाए, सेमिनार कंडक्ट किया जाए, यूनिवर्सिटी में सिलेबस में डाला जाए, जैसे इसमें आपको छोटा सा पार्ट केवीआईसी का डाला। तो यंगस्टर्स को बताना जरूरी है कि खादी कैन ऑल्सो बी यूज्ड, जो लोग भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं दे कैन बाय खादी बेस्ड जीन्स एंड नॉट बी एम्बेरस कि भैया पुराना हमारे दादा पहनते थे। यू कैन ऑल्सो वेयर इट विद अ मॉडर्न आउटलुक, उल्टा इट कैन लुक कूल इफ उसको वैसे टाइप का डिजाइन किया जाए। ये तो अवेयरनेस पैदा करना जरूरी है, और यदि उसका डेवलप और कॉस्ट विद इन द रेंज रहा तो कंपटीशन में उतर सकते हैं, वरना लोग तो यंगस्टर्स अमेजन और ये सब जगह, इनफैक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट को भी यूज किया जा सकता है फॉर प्रमोशन ऑफ खादी। फिर अदर फंक्शंस हैं जैसे प्लानिंग करना, जो भी प्रोग्राम्स है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंटिंग, अल्टीमेटली खादी और खादी के जो विलेजेस है रूरल में और उसको डेवलप करने के लिए केवीआईसी खादी और खादी विलेज इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम स्टडी करता है। प्रॉब्लम बेसिक लेवल पे फिनेंस है, बिकता नहीं है, मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स है, यंगस्टर्स लोग में क्रेज नहीं है, एप्पल के नए फोन्स का कैसे क्रेज रहता है, खादी के नए प्रोडक्ट्स का क्रेज नहीं है, क्योंकि 50 साल पहले जो लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम थे, तो लोग खादी, देशभक्त का जो था, आज़ादी को 70 साल हो गए, 75, ये साल 47 को आज़ादी, तो कितना हुआ, करीबन 75 हो जाएगा, ये साल होना चाहिए 75, तो उतना देशभक्ति और इंडस्ट्रीज में नहीं थे। देशभक्त आज भी है लेकिन खादी का अवेयरनेस कम हो गया है, ठीक है। सो ये आपका केवीआईसी के बारे में लेक्चर था वीडियो में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिले। और भी वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।